हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास क्लास 10th सब्जेक्ट SST चैप्टर 7 पार्ट 5 रानी लक्ष्मीबाई। इन द ईयर 1854 फ्लोइंग द डेथ ऑफ राजा गंगाधर राव द हजबेंड ऑफ लक्ष्मीबाई ब्रिटिश गवर्नमेंट डेनेड देयर अडॉप्टेड सन द हेयर टू द थ्रोन एंड मर्ज्ड झांसी इन द ब्रिटिश एम्पायर। रानी लक्ष्मीबाई प्रोटेस्टेड एंड फॉरगेट फ्रिकली हैविंग डिफेक्टेड बाई हीरोज सी लैंडेड इन कल्पी एंड विथ द हेल्प ऑफ टाटिया टोपे सी एक्वायर्ड ग्वालियर। ब्रिटिश कमांडर हीरोज वेसिस्ट ग्वालियर फोर्ट ऑन 18 June 1858। लक्ष्मीबाई सैक्रिफिसेड हेयर लाइफ इन सोल्डर्स आउटफिट स्टोरीज ऑफ हेयर वेलोर आर स्टील संग एंड इंस्पायर द इंडियंस। अब लक्ष्मीबाई अंग्रेजों ने 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया तथा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। उसका विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली। सर हीरोज द्वारा पराजित होने पर वह कल्पी आई। वह टाटा टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया। अंग्रेज सेनापति हीरोज ने ग्वालियर आका किले को घेर लिया। 18 June 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक बेस में संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी देशवासियों को प्रेरित करती हैं। तात्या टोपे वाज वन ऑफ द वैलियंट सोल्डर्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857 हु हैड लॉयल्टी विद पेशवा फैमिली। टाटा टोपे विल बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज पैट्रियोटिज्म कोरेज स्ट्रेटेजिक स्किल्स मिलिट्री एक्यूमेंट प्रिजर्वेंशंस इन द एबसेंस ऑफ रिसोर्सेस फ्रीलेंसेस एंड गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिस द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाना साहेब पेशवा मिलिट्री कंपेन वाज ऑन द शोल्डर्स ऑफ टाटा टोपे। टाटा टोपे 1857 के उन वीर सैनिकों में से एक है जिनकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार के प्रति। तात्या टोपे अपनी देशभक्ति वीरता व्यूह रचना शत्रु को चकमा देने की कुशलता साधनहीनता की स्थिति में युद्ध जारी रखने का साहस निर्भीकता और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध के लिए जाने जाते हैं। पेशवा नाना साहब की ओर से युद्ध का समस्त उत्तरदायित्व उनके स्वामी भक्त तात्या टोपे पर ही था। तात्या टोपे प्लेड ए मेजर रोल इन अकॉर्डिंग ग्वालियर फॉर द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई आफ्टर द डेथ ऑफ लक्ष्मीबाई। टाटा टोपे कॉन्टिन्यूसली इनर्ज हिमसेल्फ इन गुरिल्ला वॉरफेयर एंड चैलेंजेड ब्रिटिश आर्मी इन सेंट्रल इंडिया एंड बुंदेलखंड। ही वॉज अरेस्टेड बाई ब्रिटिश वाई डिसेट एंड बेतराल। ही वॉज काउज इन द जंगल ऑफ एरॉन डिस्ट्रिक्ट गुना एंड वाज हैंज्ड इन शिवपुरी ऑन 18 April 1859। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में तात्या टोपे का बड़ा योगदान रहा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात तात्या ने निरंतर गुरिल्ला युद्ध से के माध्यम से मध्य भारत और बुंदेलखंड में अंग्रेजों की कड़ी टक्कर दी। अंग्रेजों ने टाटा टोपे को बंदी बनाने के लिए कुटिलता और विश्वासघात की नीति का सहारा लिया। अतः टाटा टोपे को
ओरान जिला जंगुना के जंगल में विश्राम करते समय बंदी बनाया गया। अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को टाटा टोपे को शिवपुरी में फांसी दी। नाना साहेब वाज अनदर इम्पॉर्टेंट सोल्डर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव पेशवा सेकेंड एंड स्टेड इन बिठूर आफ्टर द डिमेस ऑफ बाजीराव पेशवा। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू ग्रांट ए टाइटल ऑफ पेंशन टू नाना साहेब। देयरफॉर नाना साहेब अलॉन्ग विथ हिज रॉयल सोल्डर्स क्रश्ड ब्रिटिश आर्मी ऑफ फ्रॉम कानपुर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ए पेशवा टाटा टोपी एंड अजमुल्ला वेयर हिज रॉयल आर्मी चीफ। नाना साहेब संग्राम के अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहेब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और बिठूर में निवास करते थे। पेशवा के मृत्यु के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को पेंशन एवं उपाधि देने से वंचित कर दिया था। अतः नाना ने अपने स्वाभाविक स्वामी भक्त सैनिकों की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। तात्या टोपे और अजमुल्ला नाना साहेब के स्वामी भक्त सेनानायक थे। बेगम हजरत महल वाज द विडो ऑफ नवाब ऑफ अवध। वंस द रिवॉल्ट स्टार्टेड बेगम इंक्रोज्ड एंड मैनेज्ड इट। सी डिक्लेयर्ड हर मिनोर सन ब्रिजिश कादर एस नवाब ऑफ अवध एंड ऑर्डर्ड हर सोल्डर्स टू अटैक द ब्रिटिश रेजिडेंसी इन लखनऊ। सी आल्सो लेड द रिवॉर्ड्स इन शाहजहाँपुर। After suffering a death, she went to Nepal. The other participant in the revolt of 1857 were Kuwar Singh, Jagdishpur, Bihar, Ahmedullah, Faizabad, Ruhelkhand, Ranga, Bapuji, Gupte, Satara, सोनाजी पंडित हैदराबाद, भीमराव मुडगे कर्नाटक, नाना फांडविस कोल्हापुर, गुलाम गौस मद्रास एक्सेट्रा। अब बेगम हजरत महल अवध के नवाब की विधवा थी जो संग्राम आरंभ होने पर 4 जून 1857 को अवध के बेगम ने संग्राम को प्रोत्साहन दिया और उनका संचालन किया। उसने अपने युवा पुत्र ब्रिजिश कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया और लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। बेगम हजरत महल ने शाहजहाँपुर में भी संग्राम के नेतृत्व किया। पराजित होने के पश्चात महल सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल चली गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख नेता थे कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार, अब्दुल्ला फैजाबाद रोहिलखंड, रंगा बापूजी गुप्ते सतारा, सोनाजी पंडित हैदराबाद, भीमराव मुन्नंगी कर्नाटक, नाना फडणवीस कोल्हापुर, गुलाम गौस मद्रास आदि। थैंक यू।